हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स में आज हमारा टॉपिक है एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के द्वारा एंगल किस तरीके से बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रांसवर्सल के बारे में भी समझना ज़रूरी है कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। तो चलिए हम पहले ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एंगल देखते हैं कि ट्रांसवर्सल किस तरीके से एंगल बनाती है। ट्रांसवर्सल इट मीन्स अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, यानी एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर वो क्या कर रही है, उनको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। यानी अब आप डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे आप देखिए कि दो लाइनें हैं, एक लाइन जैसे ये है, दूसरी लाइन जैसे मान लीजिए आप ये है दूसरी लाइन, अब कोई एक तीसरी लाइन अगर इनको किसी पॉइंट पर कट करेगी, जैसे मान लीजिए कि तीसरी लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है, अब ये जो हमारे पास थी ए बी और ये हम मान लेते कि एल एम है, अब ये जो लाइन है इस पर ट्रांसवर्सल लाइन, यानी इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे, और ये हमारी दो लाइनें हैं जिनको ये जो थर्ड लाइन थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी, ये जैसे मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं P और इसको हम बोल देते हैं Q, यानी AB पर ट्रांसवर्सल P पर कट कर रही है और LM पर ट्रांसवर्सल लाइन कहाँ पर कट कर रही है, Q पर कट कर रही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यही थी कि कोई भी दो लाइनें हैं वो पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है, उनको कोई तीसरी लाइन अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है तो जो तीसरी लाइन थी वो ही ट्रांसवर्सल कहलाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन से एंगल बनते हैं और उनका क्या क्या नेम है और साथ में उन एंगल की डेफिनेशन भी हम समझेंगे। तो चलिए अब हम एंगल देखते हैं। अब आप देखिए जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको मैंने P नेम दे दिया, इसको मैंने L नेम दे दिया, इसको मैंने M नेम दे दिया, ठीक है। यानी L और M क्या है, टू लाइंस है और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, P लाइन है। अब हमारा जो टॉपिक था वो था कि ट्रांसवर्सल के द्वारा कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो ट्रांसवर्सल यानी जिस पॉइंट पर कट करेगी वहीं पर तो एंगल बनाएगी, यानी एक पॉइंट तो ये रहा, यानी L का तो पॉइंट ये है और M का पॉइंट ये है। अब यहाँ पर जो एंगल बनेंगे कितने एंगल बन सकते हैं, एक तो ये वन टू थ्री फोर, इधर भी बन सकते हैं वन टू थ्री फोर, यानी ट्रांसवर्सल टू लाइन पर कितने एंगल बनाती है, एट एंगल बनाती है, ठीक है। तो जैसे इसको मैंने दे दिया वन टू थ्री फोर, इसको जैसे मैं इसको और दे दूं फाइव सिक्स सेवन और एट, यानी टोटल एंगल कितने हो गए, एट हो गए। अब आप देखिए अब इन एंगल के जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है उनको हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि थ्री फोर फाइव और सिक्स, यानी ये जो लाइनें हैं दो लाइनें हैं उनके अंदर की तरफ बन रहे, अंदर की तरफ कौन से बन रहे, एक तो एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव और एंगल सिक्स, ये अंदर की तरफ बन रहे। बाहर की तरफ कौन से बन रहे, एंगल वन एंगल टू और इधर बाहर की तरफ कौन से बन रहे, एंगल सेवन और एंगल एट, ठीक है। तो ये जो एंगल है इनको हम क्या कहेंगे, जो अंदर की तरफ बन रहे हैं उन एंगल्स को हम कहेंगे इंटीरियर एंगल, क्या कहेंगे, उन्हें हम इंटीरियर एंगल कहेंगे। इंटीरियर एंगल और जो बाहर की तरफ बन रहे थे उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक है। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखिए आप करेस्पोंडिंग एंगल की हम बात कर रहे हैं। अब हम करेस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं कि जैसे ये दे रखी है एक लाइन L
अब एल की एक तरफ यानी ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहे थे उन्हें हम एक्सटेरियर एंगल कह रहे थे, लेकिन अब हम इन दोनों लाइनों को देखेंगे साथ में, यानी ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी एक तरफ देखनी है हमें, यानी इसकी एक साइड और इसी ट्रांसवर्सल की इस साइड, यानी ट्रांसवर्सल लाइन की दो साइडों पर जो एंगल बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे। जैसे आप देखिए कि एल की इस साइड पर बन रहा है एंगल वन, एंगल वन, और M की इस साइड पर क्या बन रहा है, एंगल 5 बन रहा है, ठीक है। ये भी बन रहा है कि L की अपर साइड में बन रहा है और M की अपर साइड में भी बन रहा है ये 5। सिमिलरली आप देखिए कि 2, L की ऊपर की तरफ एक बन रहा है 2, और इस साइड क्या बन रहा है, M की ऊपर की तरफ बन रहा है 6। अब हम नीचे वालों की बात करते हैं, एल की ये जो लोअर साइड है यहाँ पर एक तो बन रहा है 4, 4 के साथ इसकी कौन से बन रहे हैं इसमें 8 और भी है, एक तो 3 और 7। अब इन सभी एंगल्स के जो पेयर है यानी ये क्या है जोड़ों में है, इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कि जो दो लाइनें हैं उनकी एक ही तरफ एंगल देखते हैं और सेम डायरेक्शन भी देखते हैं उनकी, तो वो एंगल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप देखिए कि ये जो ट्रांसवर्सल है यहाँ पर, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहां पर आपको एक जेड शेप नजर आ रही है, ठीक है। और जेड शेप में जो जो एंगल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अब अल्टरनेट में भी इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट, ठीक है। जैसे ये एंगल हो जाता है इस टाइप के अगर बन रहे हैं, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि इस टाइप का एक जेड यहां पर बन रहा है, तो यहां पर भी वो एंगल होंगे। तो इंटीरियर कौन से है और एक्सटीरियर कौन से है, तो सबसे पहले हम बात करें पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अल्टरनेट होगा और इंटीरियर एंगल हम देख रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको जेड शेप नज़र आ रही है, ये तो 3, 4 और 6 इंटीरियर होगा, यानी इसका पेयर इस साइड ऐसा होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इसका इंटीरियर होगा। एक तो यहां पर ये बन रहा है, तो एक तो हो जाएगा 4 और 6 और दूसरा हो जाएगा 3 एंड 5, यानी एंगल 4 एंड एंगल 6 और दूसरा होगा एंगल 3 एंड एंगल 5। ये हो जाएंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे यहां पर देखिए अब आप, तो यहां पर एक्सटीरियर में एक तो आ जाएगा आपका 1 और दूसरा इस साइड आएगा 7, इधर आएगा 2 और 8, यानी एक तो होगा 1 और एंगल 7, 1 दूसरा होगा एंगल 2 एंड एंगल 8, यानी ये दो हो जाएंगे आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब एक कंडीशंस है, अगर आपके पास जो टू लाइंस है एल और एम, अगर वो लाइन पैरेलल होती है तो इन एंगल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन एंगल का जो रिलेशन होता है वो क्या हो जाता है, या एंगल की वैल्यूज में कोई फर्क आता है या नहीं आता है, तो वो देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। यानी अब इसमें ये बताया है कि अगर एल और एम दो पैरेलल लाइन है और पी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो पैरेलल लाइनों पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। यानी जैसे कि डायग्राम से इसको हम अच्छे से समझते हैं, तो अब आप देखिए करस्पोंडिंग एंगल कौन से होंगे। तो फर्स्ट जो है 2, तो इस लाइन पर होगा 6, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी 2 और 6 इक्वल है। इसी तरफ हम देखते हैं 3 और 7, इस तरफ अगर हम देखते हैं तो 1 और 5 और 4 एंड 8,
यानी अगर लाइनें पैरेलल है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर है वो इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट है, इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, यानी दो पैरेलल लाइन है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको अगर काट रही है उन लाइनों को, तो जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो है वो हो जाएगी एक तो 4 और 6, यानी 4 किसके इक्वल होगा 6 के और 3 किसके इक्वल होगा 5 के, यानी ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट है, इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी ये जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी दो पैरेलल लाइन है उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट कर रही है देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो उस ट्रांसवर्सल लाइन से जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं सेम साइड पर वो क्या होंगे, हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। कैसे होंगे, अब आप देखिए कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल कौन कौन से बनेंगे, 4, 3, 5 एंड 6, तो सेम साइड पर कौन से बन रहे, एक तो बन रहा है यहाँ पर इस पैरेलल लाइन की सेम साइड पर, आप देखिए 4 और 3 दिख रहा है आपको, तो 4 प्लस 3 एंगल 4 प्लस एंगल 3 हो जाएंगे आपके पास 180, और इधर भी आप देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी हो जाएगा 180। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन पर आप देखिएगा कि 4 और 6 भी इक्वल होंगे और 3 और 5 भी इक्वल होंगे, यानी 3 और 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी 180 डिग्री होगा, और 4 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको, और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।